जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी माइयों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजू ग्रेटर ऑपरेटर में। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबल में देखा होगा, मैं सेम वही टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि मैं आज जीपीएस, जिसको हम सेंसर ग्रेटर बोलते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ग्रेटर की ब्लेड मारते हुए। शॉर्ट वीडियो वैसे ही बहुत बंदों के नीचे कमेंट आए कि भाई इसके बारे में डिटेल में बताओ, वो कैसे वर्क करता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास ऐसा ग्रेडर उपलब्ध नहीं है। लग रही है, वैसे हमारी कंपनी में सुना है भाई सेंसर लगेंगे, अभी हमारे पास तो आया नहीं सेंसर वाला ग्रेडर। और फिर यूपी में, यूपी का एक लड़का है जो तमिलनाडु में काम करता है, वो सेंसर वाले ग्रेडर चलाते हैं। फिर मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे ये वीडियो बना के भेजी, मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। जितनी मुझे समझ आई उसके बारे में मैं अपने हिसाब से भी आपको बताऊँगा। पहले आप उनकी ये वीडियो देख लो किस हिसाब से वो समझा रहे हैं। जैसे जैसे मुझे आसान भाषा में, अगर उनकी बात सुनने के बाद मैं आसान भाषा में आपको समझा सका, मैं समझाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। बाकी आप एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। ये अपना ट्रम्बल का रेडियो है, इसमें अपन फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, डीआई फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, ठीक है। ये अपना एंटीना, इसका इसमें अपना जो सेंसर कैच करता है ये बताता है, ठीक है। अब अपन इधर आते हैं दोस्तों। अभी ये जो ट्रेम्बल का बताया ना रेडियो, ये होता है जैसे हमारी जो सेंसर है ना, जैसे वो डिस्प्ले है, ठीक है, उसको जो ब्लेड के कोनों पर जीपीएस लगे हैं उसके जरिए उसको ये नेटवर्क दे रहा है, ठीक है। इसका काम है सिर्फ नेटवर्क देना और कोई काम नहीं है, ठीक है। नेटवर्क जैसे जो भी सेटिंग डाली हुई है जीपीएस सिस्टम में, वो पूरी सेटिंग आपको प्रोवाइड कराएगा वह डिस्प्ले के ऊपर, ये जो रेडियो है जिसको बोल रहे हैं। अपना सेटअप है, इसमें सबसे पहले अपन डिज़ाइन सेट करते हैं, कौन सी डिज़ाइन कहाँ से कहाँ तक, किस चैनल तक चल रहा है। ये अपना 189900 से 192250 वाला है। ऐसे ही इसमें कई सारी डिज़ाइन है, ये देखो जिस तरह से शॉप दिख रहा है उसी तरीके से पूरा प्रोजेक्ट का डिज़ाइन सेट कर रखा है इसमें। और जिस डिज़ाइन पर चलाना होगा, जिस चैनल अपन चला रहे हैं उसी चैनल की डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। बैक आते हैं, इसी में अपना दूसरा ऑप्शन है ये ब्लेड वेयर का, ये लिखा है ब्लेड वेयर पे, इस पर ओके करेंगे। इसमें ब्लेड अपन नापेंगे कितना अपना ब्लेड वेयर, वो डालते हैं, ओके। तो ये जो दूसरा ऑप्शन बता रहा है ना ब्लेड वेयर का, उसका कहने का मतलब है जैसे हम मान लो मशीन नाइट में चल रही है, ठीक है, दूसरे दिन आएंगे सुबह और टेप लेके ना दोनों कोने, जो ब्लेड के दोनों कोने हैं कितने mm है, यानी कि घिसने बाद कितने mm है, काम शुरू करने से पहले वो नाप के उसको, ठीक है, जो ब्लेड वेयर की सेटिंग है उसमें फीड करना, उसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने काम शुरू करना अपना। अब अपन ये क्रस्ट डालते हैं, जैसे 425 पे चल रहा है अभी एट दिस टाइम, ये 425 पे चल रहा है। तो ये दोस्तों, अभी ये जो आपको पॉइंट 27 और पॉइंट 19 दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लेड के दोनों कोने हैं, ठीक है। अभी ये रेड कलर में आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कटिंग है, एक साइड 27 एक साइड 19, यानी कि जितनी कटिंग होगी उतना लिख के आ जाएगा, ठीक है। जब इसके ऊपर फिलिंग होगी तो उसका जो कलर है ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आपको करना कुछ नहीं है, अगर ज़्यादा कटिंग है, मान लो 20 की कटिंग है, 10 की कटिंग है, 10 सेंटी की, 20 सेंटी की, तो आपको मैनुअल में करके ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। मैनुअल में करके फिर आपको कटिंग फिलिंग खुद से करनी है। जब थोड़ी बहुत जैसे 2-4 की कटिंग हो, फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप वर्क करता है। जैसे मान लो 3 सेंटी की फिलिंग है तो ब्लेड अपने आप उठ जाएगा, ठीक है, और 2 सेंटी की कटिंग है तो ब्लेड अपने आप उसको काटने लग जाएगा। अगर मान लो बिल्कुल सही है, वहाँ पर ग्रीन आ जाएगा लिख के। बाकी आप वीडियो देखो। मेरा GSB का क्रस्ट है, इसको अपन ये 4 नंबर बटन से दबाएंगे, इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे GSB का 425 है, सब ग्रेड का 620, जिस पे अपना रोवर या उनको ऑटो लेवल से, उनको लेवल जो अपनी सर्वेयर जी को समझ में आए उस हिसाब से अपन इसमें कैश डालते हैं। 620, 820, 870 सब ग्रेड फर्स्ट का है, 620 सब ग्रेड टॉप का है, GSB का 425 है, ऐसे ही AIL का 140 है,
जो इसके बाद जीएसवी के ऊपर सीटीवी के ऊपर एआईएल। दोस्तों जैसे भाई अभी बोल रहा था चार नंबर स्विच दबा के हम चेंज कर सकते हैं, उसका मतलब है वो मटेरियल की बात कर रहा है, ठीक है। वो अलग अलग मटेरियल भी बोल के बता रहा है, वो थोड़ा टेक्निकल भाषा में बात करता है, ठीक है। उसका कहने का मतलब है जैसे सब ग्रेड का अलग थिकनेस होती है, उसके बाद जीएसपी की अलग होती है, ठीक है। हम जो भी काम करें, मान लो डब्ल्यूएम का काम कर रहे हैं ना, डब्ल्यूएम की कितनी थिकनेस आएगी हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे डीएलसी की कितनी थिकनेस आती है हम उसको अपने हिसाब से डिस्प्ले में चेंज कर सकते हैं, वो ही सेटिंग करेंगे, उसके हिसाब से मशीन ऑटो वर्क करेगी। उसका भाई का कहने का मतलब ये है। अब इसमें अपन ये हो गए अपने दो, उनको लाइनिंग के लिए अपन को कोना देखना होता है कि अपना ब्लेड कितने पे चल रहा है एट दिस टाइम। जैसे अपना ब्लेड का कोना अभी अपन को दिखा रहा है 17.67, वो लेफ्ट साइड का कोना दिखा रहा है अपन 17 मीटर है सेंटर से, और ये फर्स्ट नंबर बटन से अपन इसको चेंज करते हैं। ये फर्स्ट नंबर बटन से इसको दबाएंगे तो एक बार में चेंज हो जाएगा। अब इधर का राइट साइड का कोना अपना 14 मीटर 15 पे सेंटर से, ओके। अब इसमें अपन ये क्रस्ट जो है ये माइनस में रहेगा तभी ये चलता है, मतलब। और ये यहाँ से करना प्लस करना चाहो तो यहाँ से प्लस हो जाता है, एक बार दबाओगे तो प्लस होगा और दोबारा दबाओगे तो ये चिन्ह जो निशान दे रखे ना 10 माइनस के, ये चेंज हो जाते हैं यहाँ से माइनस, अपन माइनस कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही अपन को दिखता है इन्वेगमेंट सेंटर तरफ से 3 मीटर टू साइड 26, सबग्रेड फर्स्ट अपन लेते हैं 4.5, या 4.5 इधर ले लेते हैं 25, सबग्रेड टॉप लेते हैं 5 इधर 25 टू साइड 25, जीएसवी जो यहाँ बेंगलुरु टू चेन्नई एक्सप्रेसवे है उसमें 5.6 पे तो स्लोप है 1 मीटर का, और इसका बेड शुरू होता है 6.6 से, और इधर टो साइड जाता है 24.10 तक, फाइनल है इसका 24.10। अपन ले लेते हैं 6.6 से 24 तक ले लेते हैं, 10 मीटर तो जीएसवी अपने आप चली जाती है। ऐसे ही अपना सीटीवी है, सीटीवी जितने की है उसी के सेम डिज़ाइन में एआईएल आता है, मेड बाय पवन एंड पिकअप। फोटो मत खींचो भाई, वीडियो तुम नहीं बोलो। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? बाकी वो दोनों भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने मेरे एक बार बोलने से मुझे वीडियो भेज दी बना के, ठीक है, ताकि मैं जैसे कोई भी भाई मुझे सवाल जवाब करते हैं मैं उनका आंसर दे सकूं, ठीक है। जहां तक मुझे समझ आया मैंने अपने हिसाब से भी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी जब हम प्रैक्टिकल मशीन के अंदर बैठेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी हमारी कंपनी में भी जीपीएस लगा है ग्रेडर को, अभी एक दो दिन पहले लगा है, ठीक है। उसकी वो ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद मशीन हाथ में आएगी, ठीक है, दूसरे ऑपरेटर का ग्रेडर है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे नए नए कंटेंट लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहें।